पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा के नेतृत्व में राहत एवं बचाव दल की कई टीमों ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत आपदा की स्थिति में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। भारी बरसात के चलते उत्तराखंड राज्य के कई जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंपावत जिले के कई क्षेत्रों में शारदा नदी से होने वाले नुकसान को रोकने के मद्देनजर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा के नेतृत्व में अग्निशमन दल, जल पुलिस एवं एनडीआरएफ टीम ने संयुक्त आपदा राहत मॉकड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत आपदा की स्थिति में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने की मॉकड्रिल रिहर्सल की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आपदा राहत कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए इस मॉडल का आयोजन किया गया। चूंकि ये आपदा का सीजन चल रहा है अभी, तो इसीलिए व्यक्तिगत आज कलेक्टर, फायर स्टेशन कलेक्टर, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें हमने बिल्डिंग से कैसे राहत और बचाव कार्य करना है, और इसके अलावा अगर बाढ़ आती है तो उसमें कोई अगर व्यक्ति डूब रहे हैं तो उनको किस तरह से बचाना है, ये पूरी एक मॉक ड्रिल की गई थी। और दूसरे भी तरह की ड्रिल का आयोजन किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।